लेकिन सोचने का विषय यह है कि आजादी के 70 साल के बाद क्या भारतीय संविधान इस देश में लागू हो पाया, क्या इस देश के संविधान को लागू होने के पीछे जो कमियां रही क्या हम उनको दूर कर पाए। एक छोटा सा वृत्तांत देकर के मैं ज्यादा लंबी बात नहीं रखूंगा, 2 मिनट में अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। 8 नवंबर 2016 की यह घटना आपको याद दिलाना चाहता हूं। 8 नवंबर 2016 को रात को लगभग 9 बजे टीवी पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी टीवी पर अवतरित होते हैं और टीवी पर अवतरित होने के बाद किसी को भी मालूम नहीं था कि ये क्या कहने वाले हैं। अचानक एक घोषणा होती है और प्रधानमंत्री जी ये घोषणा करते हैं कि आज रात के 12 बजे के बाद इस देश की करेंसी के 1,000 और 500 के नोट चलना बंद हो जाएंगे। लोगों को बड़ा ताजुब हुआ, कुछ बहनों की शादियां थी उस दरमियान, कुछ लोगों के बिजनेस थे और लोग पूरा देश ही स्तब्ध रह गया कि ये क्या घोषणा हुई है। बहुत लोगों ने चिल्लाया, बहुत लोगों ने आंदोलन किए, जितनी भी सियासी पार्टियां हैं उन्होंने सब ने अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन किया और पूरे देश में एक साल 1 महीने तक पूरा गदर मचता रहा। मगर क्या हुआ, उनकी की हुई घोषणा क्या किसी भी सियासी दल के आंदोलन करने के बाद, विरोध करने के बाद क्या वो घोषणा वापस हो पाई? उस घोषणा के होने के बाद जो सैकड़ों लोग नोटबंदी के चक्कर में इस देश के अंदर मारे गए, क्या उनके हत्या का मुकदमा किसी के खिलाफ दर्ज हुआ? नहीं हुआ। आज सवाल दोस्तों इस बात का है, इस सवाल का जवाब आपको हमें सबको मिलकर के ढूंढना है कि वो जो घोषणा हुई थी वो पार्लियामेंट के किसी भी सदन में चर्चा का हिस्सा कभी नहीं रही। वो जो घोषणा हुई थी वो घोषणा किसी मंत्री समूह का कोई डिसीजन नहीं था। वो जो घोषणा हुई थी वो देश के फाइनेंस मिनिस्टर का कोई सलाह नहीं थी, आरबीआई की कोई गाइडलाइन नहीं थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की और वो की हुई घोषणा पूरे देश के ऊपर लागू हुई। आज सवाल इस बात का है, आज चिंतन इस बात का है कि इस सरकार के जमाने में आने वाले समय में कभी भी किसी भी दिन या किसी भी रात को अगर वो दाढ़ी वाले प्रधानमंत्री भाई साहब फिर टीवी पर उपस्थित हो गए और उन्होंने ये घोषणा कर दी कि आज रात के 12 बजे बाबा साहब द्वारा बनाया हुआ संविधान इस देश के अंदर खत्म कर दिया जाएगा और मनुस्मृति पर आधारित संविधान हम इस देश के अंदर आज रात के 12 बजे लागू करेंगे, तो आप और हम मिलकर के या इस सियासी पार्टी मिलकर के उस घोषणा को कैसे रोक पाएंगे? जब उसको नहीं रोक पाए तो आने वाले समय में कैसे रोक पाएंगे? आज जो चारों तरफ गुंडागर्दी हो रही है, आज जो चारों तरफ माहौल बनाया जा रहा है, जो बैल साहब ने भी बात कही कि अगर शोषित होने वाले लोग अपने शोषण के आधार पर भी इकट्ठा होने लगे तो देश के अंदर क्रांति आने में समय नहीं लगेगा। आज राह चलते हुए राहगीरों को उनकी जाति और धर्म पूछ पूछ करके परेशान किया जा रहा है। गुंडागर्दी पहले भी होती थी, पहले भी लोग जुर्म किया करते थे, लेकिन जुर्म करने वाले लोग पहले जुर्म करने के बाद भाग जाया करते थे, कानून से डरा करते थे, लेकिन आज क्या हो रहा, आज वो कानून से डर नहीं रहे हैं। आज जुर्म करने वाले लोग जुर्म करने के बाद उसका वीडियो बनाते हैं और वीडियो बना करके बेकायदे उसको जो है फेसबुक पर लोड करते हैं और उनको जो है ग्रुपों के अंदर डालते हैं और वे लोग वे ताकते इस देश के अंदर ये दिखाने का काम कर रही है कि हम सत्ता के अंदर बैठे हैं, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ये जो जुर्म हो रहे हैं ये विशेष रूप से इस देश के दलितों
और विशेष रूप से देश के मुस्लिमों के ऊपर जुर्म हो रहे हैं। और जुर्म करने वालों के साथ क्या हो रहा है कि जुर्म करने वाले लोग जो समाज के अंदर इस तरीके की चीजें करके दहशत का माहौल पैदा कर रहे हैं, केंद्र सरकार के अंदर बैठे हुए मंत्री और उनके आरएसएस के संगठन में बैठे हुए सीट पर लोग उन लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उनको शाबाशी दे रहे हैं और इस देश के गरीब और कुचले लोगों को यह बताने का काम कर रहे हैं कि सत्ता में हम बैठे हुए हैं इसलिए आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। तो आज सोचने का विषय यह है दोस्तों, मैं अपनी बात को ज्यादा लंबी ना करते हुए मेरा आपसे आग्रह यह है कि 2019 आने वाला है, अगर गलती से इस सरकार की दोबारा पुनरावृत्ति यहां पर हो गई तो जिन विषयों पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, जिस संविधान पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, जिन मौलिक अधिकारों की हम बात कर रहे हैं, जिन नैतिकता की हम बात कर रहे हैं, तो ये लोग अगर इस संविधान को बदलने का काम करते हैं तो शायद हम इस लायक भी नहीं बचेंगे कि आने वाले 5 साल के इन सरकार के दौरान में हम इस तरीके की चर्चाओं पर हिस्सा ले सकें। इसलिए भी समय है, अपने आप को संभालने की कोशिश करो, गली और मोहल्ले में जाकर के लोगों को जागरूक करने का काम करो। आज जो कुछ हो रहा है बहुत ही भयानक स्थिति में हो रहा है, जहां पर भी देश जा रहा है बड़ी भयानक स्थिति में जा रहा है। आज सबको मिलजुल करके एकजुट होने की जरूरत है। एनडीएफ के माध्यम से गली गली और मोहल्ले मोहल्ले में जाकर के जो टीम डॉक्टर देसराज जी के नेतृत्व में, एडवोकेट गीता रानी जी के नेतृत्व में गली गली में जाकर के जो लोगों को संविधान के आदर्श और संविधान के सम्मान की बात समझाने का काम कर रहे हैं, मैं उनसे भी ये गुजारिश करता हूं कि आने वाले समय में अपने वोट के अधिकार को कहां दिया जाए, क्योंकि आज एक स्थिति बहुत भयंकर बनी हुई है। हर आदमी ये तो कह रहा है कि भाजपा को हराना है, नरेंद्र मोदी की सरकार को आने नहीं देना है, लेकिन यह बताने को कोई तैयार नहीं है कि उसको हराने के लिए जिताना किसे है। इसमें भी तो विचार करना पड़ेगा। जब तक अगर हराने हराने की हम बात करेंगे और जिताने की बात नहीं करेंगे तो भी बात नहीं बनेगी। इसलिए आज समाज को जागरूक करने के लिए जो ये मिशन चला है और अपने अपने माध्यम से, अपने संगठनों के माध्यम से जो लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं, वो सभी बधाई के पात्र हैं, सभी धन्यवाद के पात्र हैं और सभी संगठनों की गरिमा को रखते हुए हम सब लोग एक दूसरे के सहयोगी बने, ये कारवा आगे बढ़ता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम जय भारत, नमो बुद्ध।